आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश कंपल्सरी में जो आपकी सेकंड बुक का बेटे पनोरमा, पिछले जो वीडियोस थे उसमें आपको रेनबो को तीन लेसन बिल्कुल विद पीडीएफ कंप्लीट करने हैं। रेगुलर वीडियो देखे आप, जब तक ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं। टाइगर को रेनबो में फर्स्ट लेसन वाटर था, उसके बाद रूम 10x8 और थर्ड फ्लोर विद पीडीएफ कंप्लीट है। आज में दूसरी बुक का फर्स्ट लेसन है टाइगर के, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस राजा के नाम के आगे टाइगर शब्द क्यों लगा। ये एक कहानी है, एक स्थान है, प्रतिबंधम नामक स्थान है जहां का एक राजा है। कहानी में ध्यान रखना, ये नहीं बार बार आएगा, प्रतिबंधम नामक स्थान पर एक राजा जिसका नाम टाइगर क्यों पड़ा, ये कहानी शुरू होती है। प्रतिबंधपुरम नाम का एक राजा था, जब इसका जन्म हुआ तो जन्म के उपरांत जब इसका नामांकन संस्कार किया गया, when he was only 10 years old, जब इस राजा की आयु कितने दिन थी, केवल 10 दिन का था, तो वहां प्रधान ज्योतिष चीफ एस्ट्रोलॉजर जितने भी राजा के जो प्रधान ज्योतिष थे वो सब इकट्ठे हो गए और सभी ने इनके नक्षत्र लग्न को देख करके इसके बारे में घोषणा करने लगे, ये बालक आगे बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, अनेक इसकी बड़ाई करने लगे। लेकिन तभी एक ज्योतिष ने कहा कि बट समडे ही वुड हैव टू डाई, एक ज्योतिष ने कहा कि एक दिन इस राजा का मरना पड़ेगा। वहां सभी जो लोग बैठे उसने कहा कि ये तो कोई खास बात नहीं बताई ज्योतिष जी आपने, इस संसार का कोई नियम है, जो आया है सो जाएगा, मरना तो एक दिन पड़ेगा। उसी समय मेरे एक चमत्कार हुआ, अन्य लोगों ने पूछा जब राजा की आयु कितने दिन है, ओनली 10 दिन, और उस महल में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और चमत्कार यह हुआ 10 दिन का बालक ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बोलना शुरू कर दिया, वहां जितने भी ज्योतिष और सब बैठे बैठे आस्ते में पकड़े, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तभी उसने कहा ज्योतिष आप मेरी तरफ देखिए, मैं हूं। और प्रधान ज्योतिष ने अपनी आंख पे से चश्मा खा लिया, हाथों पर उंगली, ऑटो पर उंगली लगा ली, और उसको आश्चर्य हुआ कि एक 10 दिन का बालक बोलता ही नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और उस 10 दिन के बालक ने उस प्रधान ज्योतिष से पूछा कि मैं तो आपकी इस प्रेडिक्शन को, प्रेडिक्शन ही नहीं होती है, भविष्यवाणी को तब सही मानूंगा जब यू वुड टेल मी द मैनर ऑफ माई डेथ, जब आप मुझे मेरी मृत्यु का कारण बताओगे, तरीका बताओगे कि किस तरीके से, आपने अभी तो कहा मरूंगा, मरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो प्रधान ज्योतिष के पैरों के नीचे से जमीन पिसक गई कि उसने घोर आंख मार के देखा कि तो 10 दिन का बालक बोल रहा है और बार बार ये कह रहा है कि आप मुझे मेरी टेल मी द डेथ, टेल मी द मैनर ऑफ द डेथ, ऑफ मेरी मृत्यु का कारण बताओ, तरीका बताओ। राजा की इन शब्दों को सुनकर के, जो उस समय राजकुमार 10 दिन का था, प्रधान ज्योतिष ने कहा कि ये बात राज की है, इसको राज ही रहने दो। और व्यक्तियों ने दबाव डाला तो उस प्रधान ज्योतिष के बाद बतानी पड़ी। प्रधान ज्योतिष ने कहा इस बालक का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है। आपको पता है हमारा नामांकन संस्कार किया जाता है 12 राशि होती है, लेकिन जो लग्न होता है वो नक्षत्र होता है। उसने कहा इस बालक का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, और वृषभ यह नहीं होता है स्थान, बैल, बैल और बाघ में शत्रुता होती है। ध्यान से सुनेंगे, द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, सो वन डे द किंग वुड डाई बाई ए टाइगर, इसका जो मृत्यु होगी वो किसके द्वारा होगी, बाघ के द्वारा। तो प्रधान ज्योतिष ने कहा कि आपकी मृत्यु का कारण क्या होगा, एक बाघ। क्यों होगा, क्योंकि आपका जन्म कौन सी राशि में हुआ है, वृषभ राशि में। वृषभ यह नहीं होता बेटा, बैल और बाघ में क्या होती है, शत्रुता। राजा अब आप सभी लोग सुन रहे हो, समझ रहे होंगे कि बैल बाघों का नाम सुनते हो 10 दिन का बालक तो घबरा गया होगा, नहीं, लेकिन छोटे से बालक ने बड़े जोरदार आवाज में जैसे आकाश में बादल करते हैं कहा कि भी अवैध